डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 26 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 26 है। इसके अंदर आज हम जो है वो कन्वर्जन देखेंगे मूरे मशीन की मिले मशीन में। इससे पहले हमने मूरे मशीन मिले मशीन के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, एग्जांपल्स भी कर ली। अब जो है वो इनकी कन्वर्जन है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, कन्वर्ट दिस मूरे मशीन इनटू मिले मशीन। यानी कि वो आपको एक मशीन दे देगा, या तो वो मूरे मशीन होगी या तो वो मिले मशीन होगी, और वो बोलेगा कि वो इसको इसमें कन्वर्ट करें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये है मूरे मशीन से मिले मशीन के अंदर कन्वर्जन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मिले मशीन टू मूरे मशीन में। अच्छा, जो मूरे मशीन से मिले मशीन में कन्वर्जन है वो बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, अब हम उसने हमें ये मूरे मशीन दे दिया। अब सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये कि मिले मशीन और मूरे मशीन के अंदर क्या डिफरेंस है। यानी कि कैसे पता लगेगा एक मशीन को देख के कि क्या ये मूरे मशीन बनी हुई है या फिर ये मिले मशीन बनी हुई है। तो इसका आंसर अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं वहाँ से देखूंगा। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों मशीन्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों मशीन में मेजर डिफरेंस ये है कि जो मूरे मशीन है उसके अंदर उसकी जो आउटपुट है वो स्टेट्स के अंदर होती है, लेकिन जो मिले मशीन है उसकी जो आउटपुट होती है हर इनपुट की वो ट्रांजिशन एज के ऊपर होती है। ठीक है, और एक और इनके दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि मूरे मशीन के अंदर जो इनपुट होती है उसकी आउटपुट n प्लस वन नंबर की इक्वल होती है। यानी कि जितने नंबर आप मूरे मशीन में इनपुट दे रहे हो उसमें वन प्लस आपको जो है वो आउटपुट मिलेंगे, लेकिन मिले मशीन के अंदर हम जितने इनपुट्स देते हैं उतने ही हमें क्या मिलते हैं, वापस आउटपुट मिलते हैं। तो अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा क्योंकि देखो जो मूरे मशीन है ना उसके अंदर जो आउटपुट है वो है किसके अंदर, स्टेट के अंदर। अब हम कन्वर्जन कर रहे हैं मिले मशीन पे, यानी कि हमने अपनी स्टेट्स के अंदर से इन आउटपुट्स को ख़त्म करना है। इन आउटपुट्स को ख़त्म करेंगे तो फिर हम कहाँ इन आउटपुट्स को भेजेंगे, मिले मशीन में आउटपुट कहाँ होते हैं, मिले मशीन में आउटपुट होते हैं एज के ऊपर। यानी कि मूरे मशीन में से हम इन आउटपुट्स को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और जो जो एजेस हमें गिवन है उनके अंदर हम इनको डाल देंगे सिंपल। तो हमारी जो कन्वर्जन है वो हो जाएगी मूरे मशीन से मिले मशीन के अंदर। तो मैं आपको जो है वो ये करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्यू नॉट स्टेट है, तो इधर मैं क्यू नॉट ले लूँगा और ये मेरे पास स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, इसके बाद क्यू वन एक स्टेट है मेरे पास, यहाँ पे मैं क्यू वन लिख लेता हूँ। इसके बाद क्यू टू एक स्टेट है और एक क्यू थ्री स्टेट है, चार स्टेट्स ही मेरे पास। अब जो देखो क्यू नॉट ए रीड करके कहाँ पे जा रहा है, क्यू नॉट ए रीड करके क्यू वन पे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं ए रीड वैसे ही करवा दूंगा। लेकिन अब क्यू नॉट के अंदर आउटपुट क्या थी, जीरो की आउटपुट थी, तो वो अब जीरो की आउटपुट मैं कहाँ डाल दूंगा, इस ट्रांजिशन एज के ऊपर डाल दूंगा। यानी कि ए लेके हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब आपको थोड़ी बहुत लुक इसकी मिले मशीन की तरह लग रही होगी। अब देखो क्यू वन को ले लेते हैं, क्यू वन जो है वो ए लेके जा रहा है क्यू थ्री पे। अब क्यू वन से हमने आउटपुट को ख़त्म किया तो हम कहाँ भेज देंगे, इस ट्रांजिशन के ऊपर। तो ए रीड करके हमें आउटपुट क्या मिलेगी, वन मिलेगी। अब क्यू थ्री को ले लेते हैं। अच्छा, क्यू वन के ऊपर बी की भी ट्रांजिशन है और क्यू नॉट पे भी बी की ट्रांजिशन है, तो पहले क्यू नॉट की बी की ट्रांजिशन कर लेते हैं। क्यू नॉट जो है वो बी लेके जा रहा है क्यू टू वाली स्टेट पे, और आउटपुट में जैसे ए को हमने जीरो दिया था वैसे ही हम बी को भी जीरो दे देंगे, क्योंकि हमारी जो क्यू नॉट है उसकी आउटपुट क्या है, जीरो है। इतना कर लिया। अब क्यू वन का ए हमने भेज दिया इन आउटपुट के साथ, अब हमने बी को भेजना है, तो बी जा रहा है हमारा क्यू टू स्टेट के ऊपर। ठीक है, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, क्यू वन से वन मिल रहा है, तो यहाँ पे बी के साथ हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। ओके, हो गया। इसके बाद हमारे पास क्यू थ्री स्टेट रहती है और क्यू टू स्टेट रहती है। अब क्यू थ्री स्टेट पे देखो ए और बी का लूप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लूप लगा दूंगा ए और बी का। अब आउटपुट को मैंने ख़त्म किया ना स्टेट के अंदर से, तो इनकी जो आउटपुट है वो इन्हीं इनपुट्स के साथ मैं क्या करूँगा, इनके साथ मैं लिख दूंगा। तो Q3 पे A का जो इनपुट है वो आउटपुट हमें दे देगा 1, और जो B का इनपुट है वो भी हमें आउटपुट दे देगा 1। तो ये मेरे पास बन गया Q3 के लिए। अब Q2 को देख लेते हैं, Q2 पे A का लूप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं वापस A का लूप लगा दूंगा, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा था Q2 से, 0, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, 0 को डाल दूंगा। और B लेके जा रहा था Q3 स्टेट पे, और Q2 की आउटपुट थी 0, तो इसके साथ भी मैं क्या लगा दूंगा, 0 डाल दूंगा। ये जो आपकी मूरे मशीन थी ये अब कन्वर्ट हो गई है मिले मशीन के अंदर। बस इतनी सी कन्वर्जन थी। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम इतना तो नहीं करेंगे ना कि हम एक स्टेप में ये उसने हमें मशीन दे दी थी और हमने इसको मिले में कन्वर्ट कर दिया। हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, वो ये कि हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए आप ट्रांजिशन टेबल बना लो। अब ट्रांजिशन टेबल आप एक पहले बना लो इस मिले मशीन का। मैं जो ट्रांजिशन टेबल अभी बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ इसका एक किसी भी स्ट्रिंग को चेक करने का, यानी कि हम किसी एक स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास है ए डबल बी ए, क्योंकि जो मेरी इनपुट्स हैं वो ए और बी की फॉर्म में है, आउटपुट 0 1 की फॉर्म में है। ठीक है, अब ए डबल बी ए को मैंने चेक करना है, ये है मेरे पास इनपुट। अब इस इनपुट की मेरे पास मूरे मशीन पे क्या आउटपुट आएगी, और फिर मैंने देखना है कि इसकी मेरे पास मिले मशीन पे क्या आउटपुट आएगी।
ठीक है। अब देखो मूरे मशीन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, क्यू नॉट से हो रही है, तो यहाँ पे क्यू नॉट मैं लिख दूंगा। उसके बाद क्यू नॉट ए रीड कहाँ पे कर रहा है, क्यू नॉट ए रीड करके क्यू वन पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्यू वन आ जाएगा। फिर क्यू वन बी रीड करके कहाँ जा रहा है, क्यू वन बी रीड करके क्यू टू पे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्यू टू लिख दूंगा। फिर क्यू टू बी रीड करके जा रहा है क्यू थ्री पे, तो यहाँ पे क्यू थ्री आ जाएगा। और क्यू थ्री ए रीड कर रहा है क्यू थ्री पे, तो यहाँ पे क्यू थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके जो आउटपुट्स हैं उनको लिख लेना है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब क्यू नॉट पे हमें आउटपुट क्या मिल रही है, जीरो की मिल रही है। क्यू वन पे आउटपुट मिल रही है वन की। क्यू टू पे आउटपुट मिल रही है जीरो की। क्यू थ्री पे आउटपुट मिल रही है हमें वन की। और क्यू थ्री पे आउटपुट मिल रही है वन की। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, आउटपुट स्ट्रिंग आ गई है इस ए डबल बी ए के लिए। अब हम यही जो स्ट्रिंग है ए डबल बी ए, इसको मिली मशीन पे चेक करते हैं कि मिली मशीन पे क्या हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, क्यू नॉट से स्टार्ट हो रही है। क्यू नॉट से ए लेके हम कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पे जा रहे हैं। और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो क्यू नॉट से ए लेके मैं गया क्यू वन पे। उसके बाद क्यू वन से मैं बी लेके कहाँ गया, क्यू वन से मैं बी लेके गया क्यू टू पे। क्यू टू से बी लेके मैं गया क्यू थ्री पे। और क्यू थ्री से ए लेके मैं कहाँ आ गया, वापस क्यू थ्री पे आ गया। अब इसकी जो है वो हम आउटपुट्स लिख लेते हैं। क्यू वन के ए पे क्या आउटपुट थी, क्यू वन के ए पे आउटपुट थी वन की। सॉरी, यहाँ पे क्यू नॉट से हमने स्टार्ट लिया था। क्यू नॉट के ए से हमें क्या आउटपुट मिली थी, क्यू नॉट के ए पे हमें आउटपुट मिली थी जीरो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जीरो। अब हम कहाँ पहुँचे थे, क्यू वन पे। फिर क्यू वन पे है बी, क्यू वन पे बी की क्या आउटपुट है, क्यू वन पे बी की आउटपुट है वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। इसके बाद अब हम आ गए हैं क्यू टू स्टेट पे। क्यू टू स्टेट पे बी की क्या आउटपुट है, क्यू टू स्टेट पे बी की आउटपुट है जीरो, तो यहाँ पे मैं जीरो लगा दूंगा। उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्यू थ्री स्टेट पे पहुँच गया। तो क्यू थ्री स्टेट पे मैंने किसकी आउटपुट को देखना है, ए की आउटपुट को देखना है। तो क्यू थ्री की स्टेट पे मेरे पास ए की आउटपुट क्या है, क्यू थ्री स्टेट पे मेरे पास ए की आउटपुट है वन, तो यहाँ पे मैं वन लगा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मेरे पास क्या आंसर आया, 1010, यानी कि मेरे पास आंसर आया 1010। लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ रही है, ये मेरे पास क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको मूरे मशीन में बताया था कि हमारे पास एक हम जो स्टार्टिंग स्टेट लेते हैं वो भी आती है, यानी कि जो हमारे पास इनपुट जितनी हम देते हैं उसका आउटपुट हमारे पास वन एक नंबर में प्लस करके आता होता है। और जो मिली मशीन होती है उसके अंदर हम जितनी आउटपुट देते हैं उतनी ही हमें इनपुट, जितनी इनपुट्स देते हैं उतनी हमें आउटपुट मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास चार इनपुट्स थी तो हमारे पास चार आउटपुट्स आ गई हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको जो इसकी कन्वर्जन है वो समझ आ गई होगी। ये वैसे मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए लिया, आप जो है इसका बकायदा ट्रांजिशन टेबल बनाओगे मिली मशीन का, यानी कि जैसे हम स्टेट्स लेते थे, फिर इनपुट ए के लिए और आउटपुट ए के लिए, फिर इनपुट बी के लिए और आउटपुट बी के लिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ और ताकि आपको जो इसकी कन्वर्जन है वो क्लियर हो जाए। वैसे तो आपको क्लियर हो गई होगी क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल और इसकी करवा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट मूरे मशीन टू मिली मशीन, आल्सो चेक आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग ए डबल बी ए बी ऑन बोथ मशीन्स। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मूरे मशीन को मिली मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है, और फिर हमने लास्ट में इस स्ट्रिंग को दोनों मशीन्स के ऊपर चेक करना है कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस जो हमें उसने मूरे मशीन दी है इसको जो है मिले मशीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखो हमारे पास दो स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर मैं दो स्टेट्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास सबसे पहली स्टेट है क्यू नॉट और दूसरी स्टेट है मेरे पास क्यू वन। अब सेम कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ हमने क्या करना है, जो आउटपुट है वो स्टेट के अंदर है, लेकिन जो मिले मशीन के अंदर जब हम आउटपुट को बनाएंगे तो उसको हम ट्रांजिशन यानी कि एज के ऊपर बनाएंगे। और क्यू नॉट मेरी स्टार्टिंग थी। इसके बाद अब देखो मैं बाकी सब कुछ जो है वो एज इट इज़ बना रहा हूँ। जो हमारे पास ट्रांजिशंस थी वो एज इट इज़ आ गई हैं। ठीक है, अब क्यू नॉट को सबसे पहले ले लेते हैं। क्यू नॉट पे एक लूप लगा हुआ है ए का और एक ट्रांजिशन जा रही है बी की। ठीक है, अब क्यू नॉट से मैंने आउटपुट को ख़त्म किया तो ज़ीरो ख़त्म किया तो वो इस ए के साथ भी आ जाएगा और बी के साथ भी आ जाएगा। और क्यू वन के ऊपर एक ए जा रहा है ट्रांजिशन से और एक बी का लूप लगा हुआ है। अब क्यू वन से मैंने वन की आउटपुट को ख़त्म किया तो मुझे वो एज के ऊपर मिल जाएगी और यहाँ से भी ए के साथ मुझे जो वन है आउटपुट का वो एज के ऊपर मिल जाएगा। तो ये मेरी कन्वर्जन हो गई मूरे मशीन की मिले मशीन के अंदर। अब हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को चेक करना है अपनी बोथ मशीन्स के ऊपर कि क्या जो हमें आंसर आता है वो दोनों मशीन्स का सेम आता है या नहीं आता। तो मैं ये अब आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इनपुट क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है मेरे पास ए बी बी ए बी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टेट्स आएंगी, यानी कि स्टेट्स मेरे पास किन किन स्टेट्स के ऊपर से ये ए डबल बी ए बी जाएगा। और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं मूरे मशीन के लिए हमारे पास क्या आउटपुट आती है और फिर हम देख लेते हैं मिले मशीन के लिए मेरे पास क्या आउटपुट आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टेट्स, सबसे पहले हमारी मशीन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्यू नॉट से स्टार्ट हो रही है। अभी जो स्टेट्स हैं ना ये दोनों केसेस में सेम है क्योंकि स्टेट्स दोनों केसेस में दो हैं, क्यू नॉट और क्यू वन, और ट्रांजिशन ए बी की भी दोनों पे सेम है। तो देखिए आप किसी भी मशीन से ले सकते हो, मैं लेट्स सपोज मूरे से ले लेता हूँ। अब क्यू नॉट ए रीड करके कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट ए रीड करके क्यू नॉट पे ही आ रहा है, तो इधर मैं लिख लूँगा क्यू नॉट।
ठीक है, अगर आप मिले पे भी देखो तो क्यू नॉट ए रीड करके वापस क्यू नॉट पे जा रहा है, तो आप कहीं से भी किसी भी मशीन से जो है स्टेट्स को ले सकते हो। उसके बाद क्यू नॉट बी लेके कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट बी लेके क्यू वन पे आ रहा है, तो इधर मैं क्यू वन लिख दूंगा। उसके बाद हम क्यू वन स्टेट पे हैं, वो बी लेके कहाँ जा रहा है, वापस क्यू वन पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्यू वन लिख दिया। इसके बाद क्यू वन ए लेके कहाँ जा रहा है, क्यू वन ए लेके क्यू नॉट पे जा रहा है, तो यहाँ पे Q0 आ गया। और इसके बाद Q0 B लेके कहाँ जा रहा है, B लेके Q1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, Q1 लिख लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने मिले और मूरे के लिए इनकी जो है वो आउटपुट लिखनी है। अब देखो Q0 पे आउटपुट क्या है मेरे पास, अब मैं मूरे के लिए सबसे पहले देख रहा हूँ, Q0 पे मेरे पास आउटपुट क्या है, जीरो है। Q0 पे आउटपुट है मेरे पास जीरो, Q1 पे आउटपुट है वन, Q1 पे आउटपुट है वन, Q0 पे आउटपुट है जीरो की, और Q1 पे आउटपुट है मेरे पास वन की। तो ये मेरे पास किसकी आउटपुट आ गई है, इस स्ट्रिंग की आउटपुट आ गई है मिले मूरे मशीन के अंदर, मूरे मशीन के लिए सॉरी। तो अब देखो Q नॉट स्टेट जो है ना, ये आपको पता है मिले मशीन के अंदर हम सिर्फ स्टार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर मिले मशीन जब मैं इसकी आउटपुट लिखूंगा तो यहाँ पे मैं Q नॉट की नहीं लिखूंगा, क्योंकि Q नॉट मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था। जो मेरी एक्चुअल आउटपुट आएगी वो यहाँ से आएगी। तो Q नॉट के ऊपर मुझे क्या आउटपुट मिल रही है, Q0 के A की आउटपुट मुझे मिल रही है जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। उसके बाद मैं वापस Q0 पे हूँ, उसके B पे मुझे क्या आउटपुट मिल रही है, Q0 के B पे मुझे, एक मिनट देखो, Q0 पे मैं A रीड करके कहाँ गया हूँ, वापस Q0 पे ही आया हूँ। अब देखें मिले के लिए क्या आउटपुट बन जाएगी। अब मिले में आपको पता है कि हम जो है Q0 जो हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट होती है उसको नहीं लेते होते, हम जो अपना स्टार्ट लेते हैं वो यहाँ से लेते होते हैं, जो हमें स्ट्रिंग गिवन होती है। तो Q0 के A पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, Q0 के A पे हमें आउटपुट मिल रहा है जीरो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जीरो। Q1 के B पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, Q1 के B पे मुझे आउटपुट मिल रहा है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। Q1 के B पे मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, अगेन 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। Q0 के A पे मुझे 0 मिल रहा है और Q1 के B पे मुझे 1 मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो मेरे पास दोनों आउटपुट्स आई हैं मिले मशीन की और मूरे मशीन की, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जो हमने कन्वर्जन किया वो बिल्कुल ठीक की है। आई होप कि जो हमारा लेक्चर 26 है जिसमें मैंने कन्वर्जन किया है मूरे मशीन की मिले मशीन में, आपको समझ आ गई होगी। मेन काम हमारा मशीन का था कि मशीन कैसे कन्वर्ट होती है, और ये मैंने बस स्ट्रिंग लेके आपको समझाना था कि स्ट्रिंग को किस तरीके से हम चेक करते होते हैं मशीन के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर लेना लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना।